सारे भैया ना, राम राम दोस्तों। ये हमारी सेकंड वीडियो है, चाल समय दूरी पे एक दोबारा क्वेश्चन है। तो दोस्तों आइए देखते हैं दोस्तों। इसमें इसके अंदर दिया गया है 68 किलोमीटर घंटा की चाल से एक ट्रेन 3 घंटे 15 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। दोस्तों फिर वही फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे हम जो पिछली वीडियो में हमने किया था। बिल्कुल आसान सी ट्रिक है, इसमें निकालने क्या है दोस्तों, दूरी। तो देखिए दूरी बराबर कितना होता है दोस्तों, चाल गुना समय। आसान सा ये फॉर्मूला याद कर लो, आपके इस टाइप के जितने क्वेश्चन आएंगे चाहे रकम या चेंज होती रहेगी, लेकिन ये क्वेश्चन आपके सेकंडों में हल हो जाएंगे। तो देखते हैं दोस्तों इसमें क्या दे रखे, निकालने क्या हमारे को, दूरी बराबर चाल कितनी हमारी 68। समय, समय कितना है हमारा 3 घंटे 15 मिनट। तो दोस्तों मिनट को घंटों में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, बटे में 60 लिख देते हैं। देख तो इसको हम मिनट को घंटों में बदलने के लिए क्या करेंगे, 3 घंटे 15 मिनट बटे 60। तो देख तो काटते हैं इसको, 15 एकम 15, 15 चौके 60। तो 4 तीय 12 और 1 13 बटे 4। दोस्तों ये आ गया हमारा दूरी बराबर 68 गुणा 4 तीय 12 और 1 13 बटे 4। तो दोस्तों अब ये हमारा कट जाएगा, देखो 4 पे 4 एकम 4, 4 7 28। तो दोस्तों ये आ गया हमारा दूरी बराबर 17 गुणा 13। तो 17 की और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों हम, ये आ गया हमारा 17 गुना 13, तो 221 इसका आंसर आएगा दोस्तों।